ओके ना बोलिएंगे योर लाइव नाउ आई गेस Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So I thank you for joining the Khuli Kachahri. I am Dr. Arshad Taqi, President of Pakistan Medical Commission, and this Kachahri is being held on the directives of the Honorable Prime Minister of Pakistan. I welcome all the students, graduates, local as well as foreign graduates, doctors from within the country and abroad, House officers, general public, for joining this Khuli Kachahri, this e-Kachahri. This is actually specially organized to directly address all the grievances and concerns of the students. मकसद इसका ये है कि आपके जितने भी सवालात हैं, आपके जितने भी मामलात में कुछ में आपको कुछ परेशानी है, हम उसको एड्रेस करें. आप उसके यहाँ डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं यहाँ सवाल लिखकर, और जो सवालात आपके ऑलरेडी आ चुके हैं और हमारे पास आपने पहले भेजे थे, हम उनके जवाब देंगे. और उसके साथ साथ जो आप सवाल इस वक्त पोस्ट करेंगे, अगर वो उन सवालात से मुख्तलिफ हुए तो उनके भी जवाब देंगे. तो थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू सर. थैंक यू सो मच सर. आई'd लाइक टू फर्स्ट थैंक आवर पैनलिस्ट, हमारे ऑनरेबल मेंबर्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं. हम शुरुआत करते हैं सर. फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया है वो सना गुल साहिबा की तरफ से है. वो कह रही हैं कि आई एम ऑप्टिमिस्टिक टू गेट एडमिशन इन पब्लिक मेडिकल कॉलेज. माय कंप्लेन इज अबाउट केएमयू एडमिशन पॉलिसी एज अकॉर्डिंग टू पीएमसी नोटिफिकेशन डेटेड 13th नवंबर 2021 दैट ओनली दो स्टूडेंट्स विद लेट रिजल्ट आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन 21-22 दैट अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्पेशल एग्जाम एंड इंप्रूवर्स आर नॉट अलाउड. बट नाउ केएमयू इज गोइंग अगेंस्ट पीएमसी नोटिफिकेशन एंड दे आर गोइंग टू कंसिडर ऑल स्टूडेंट्स आइदर इंप्रूवर्स और दोज विच फर्स्ट टाइम इन स्पेशल एग्जाम एज एन एनुअल एग्जाम. She's saying that this decision is completely injustice with fresh students because to the improvers in the same calendar year, two opportunities provided to improve. Ji, thank you very much. Thank you very, very much for raising this question, which has been raised time and again. So let me clarify something. Pakistan Medical Commission is the regulator of admissions, in which ways they give broad outlines of who merits to be admitted in a medical college. But actually it is the discretion of the admitting institution, whether they be public or private, to declare their own policies within the framework of Pakistan Medical Commission. Public sector medical college universities, jo admitting universities hain har province ki, ye unki discretion hai ki wo usko aage rules ko apply karte hue kya criteria banaye. Ye Pakistan Medical Commission unke is mamlaat mein hum interfere nahi kar sakte. So ये पॉलिसी में अगर कोई आपको महसूस होता है तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एडमिटिंग यूनिवर्सिटी या कंसर्न्ड अथॉरिटीज से आप इसके सिलसिले में बात करें. थैंक यू सर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारे डिफरेंट पोस्ट के नीचे भी कमेंट्स आ रहे होते हैं और जब हमने कचहरी अनाउंस की तो उसके नीचे भी रिपीटेड तौर पर क्वेश्चन आ रहे हैं कि व्हेन विल वी अनाउंस द सिलेबस फॉर एमडी कैट 2022. जी, 2022 एमडी कैट सिलेबस इंशाल्लाह जनवरी के महीने में, होपफुली वेल बिफोर एंड ऑफ जनवरी हम इंशाल्लाह इसको अनाउंस कर देंगे. आपने इसके साथ साथ ये पूछा पैटर्न, जनरली पैटर्न में कोई ऐसी बड़ी चेंज नहीं होगी. ऑफकोर्स वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट द सिलेबस ओवर दिस ईयर इज कम्प्लीटली अलाइंड विद वॉट आर एक्सपेक्टेशंस आर एट द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ मेडिकल कॉलेज. उस हिसाब से कुछ प्रॉब्ली सब्जेक्ट्स में से कुछ रीअलाइनमेंट की जाएगी और कुछ ऐसी चीजें जिनका ताल्लुक अब आगे ह्यूमन साइंसेस से नहीं है उनको बीच में से निकाला जाएगा. लेकिन इसके बारे में एकेडमिक बोर्ड जो हमें गाइडेंस लाइन देगा और जो एक्सपर्ट्स की तरफ से आएगी उसकी रोशनी में ये सिलेबस इंशाल्लाह जनवरी के महीने में ही ये अनाउंस कर दिया जाएगा. और रिमेनिंग टू क्वेश्चन सर हम अलॉन्ग द वे लेंगे क्योंकि वो मतलब हुए हैं पिछले क्वेश्चन के साथ. अच्छा, निसार मियां जो है वो एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि वी द स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ अफगानिस्तान हैव क्लियर्ड एनईबी नेशनल इक्विवेलेंस बोर्ड एग्जामिनेशन एंड स्टिल वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स. अफगान यूनिवर्सिटीज आर क्लोज्ड टिल अननोन पीरियड एंड दे हैव ऑलरेडी कैंसल्ड आवर एडेप्शंस देयर. In Pakistan, we have the following issues. We are not eligible to seek adaptions in public sector's medical colleges, although there are many vacant seats available in public sector medical colleges across the country. If PMC is not allowing our adaptions in public sector, then help us to find the vacant seats in private medical colleges on low fee.
जी हम ऑलरेडी वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट एंड वी आर इन कॉन्स्टेंटली इन डेलिब्रेशंस ऑन दिस इशू. इंशाल्लाह वी वर वी गिव दिस अपॉर्चुनिटी फॉर दिस स्टूडेंट्स टू अपीयर फॉर एनईबी एग्जाम्स एंड सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ देम हैज एक्चुअली पास्ड एंड इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन अकोमोडेटिंग ऑल ऑफ देम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ आर रेगुलेशंस. तो प्रेस अश्योर कि हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और अन करीब हम आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे. Alright. Abbas Amin ke question hai ke, sir, I belong to KPK. I have 179 marks in MDCAT, but in elective subjects, I have 526 out of 600, which are not good marks. I decided to apply for special exam, but after PMC notification, I decided not to apply. I have now 687 rank according to the first KMU merit list, but if KMU MBBS seat. First question unse ye hai ke, if KMU had to include special exam marks, then why did it not issue notifications earlier like UHS? Second is, if PMC is not stopping them from this inclusion, then why had they issued notification in which they made it clear that these special exam marks are not for this year, but next year, right in the middle of registration for special exams? जी, the spirit of that notification was very clear, और वो यही था कि हम उन बच्चों को जो कि Ministry of Education की special COVID सिचुएशन को सामने रखते हुए जो एक अनाउंसमेंट थी कि एक स्पेशल एग्जाम के मार्क्स को कंसिडर किया जाए, हमने इन व्यू ऑफ दैट हमने ये कंसेशन दी थी इस दफ़ा के लिए वन टाइम कि इस एग्जाम को आप कंसिडर कर लें. हाउएवर जैसे मैं पहले क्लेरिफाई कर चुका हूँ कि ये डिटेल में इसकी पॉलिसी कि इनमें इनको किस तरह से रखना है, क्या वेटेज देनी है, ये सब कुछ एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की डिस्क्रिशन होती है और हम इसके अंदर हम इंटरफेयर नहीं कर सकते. सो उनके उन्होंने क्लियरली अगर ये डिसाइड किया है कि जो दोबारा स्पेशल एग्जाम देगा जो पहले दे चुका है उसको भी कंसिडर करना है, तो ये उनकी डिस्क्रिशन है. सो इसके लिए आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आपकी अपनी प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी है, एडमिटिंग यूनिवर्सिटी, आप उससे रابطہ करें. थैंक यू. मोहम्मद सलमान अजहर क्वेश्चन कर रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, I have passed all mandatory stations in NLE 2 and secured 68% marks, so I feel a need to review and apply for rechecking of my result. On calling PMC helpline, I was told they have not addressed with any policy regarding result review. Please shed light on this. Thanks. Okay, thank you. Thank you for your question. The exam result that has been is already reviewed by the team of the experts, and there are no chances of ambiguity in it. And the second thing, according to PMC exams regulation, section 18, subsection 2, the result of the NLE is communicated and issued shall be final and shall be neither available for rechecking or any other objection from the person having taken the exam. Aap ye regulations khud bhi review kar sakte hain. These all are available on our website. Sir, aapko chahiye. Ispe thoda main aap sab logon ko clarify kar dun ke exam mein aapke examiners aapko dekhte hain. Aapke examiners agar ka jo score hota hai wo usme hamesha fine samjha jata hai. Iske ilawa agar रिव्यू होता है और वो यहाँ हर केस में होता है कि जब ये रिजल्ट हमारे पास आता है तो वो रिव्यू किया जाता है कि टेबुलेशन में कहीं कोई गलती तो नहीं हुई. सो ऑल दिस प्रोसेस हैज बीन केयरफुली सिलेक्टेड. नाउ इफ बाय रिव्यू यू मीन दैट यू विल कम एंड रिव्यू योर ओन स्कोर्स, आई एम सॉरी बट योर एग्जामिनर्स आर सपोज टू बी द वन हु स्कोरिंग, यू कैन रिक्वेस्ट फॉर एंड पीपल हैव एक्चुअली कम एंड रिक्वेस्टेड एंड द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट हैज बीन वेरी clear that they went on and retabulated wherever there was any ambiguity on part of the student. So at some point you need to close this, and now it has been closed and the result is final. I feel that you having scored 68% marks may be feeling a little disappointed, but then it is all about trying for the next time and making sure that next time you score well beyond 70%. You are going to get to become a licensed practitioner, and each one of these stations in this actually identifies an area of patient care which is important to patients' lives. So if you fail a station or get low marks on a station, that means your skill in that area is slightly wanting and you need to prepare harder. So please understand, this is a licensing exam. At the end of this licensing exam, all of you are going to go and be certified to take care of the patients. So let's keep that in mind. Thank you. थैंक यू सर. अच्छा, नुमान ताहिर साहब का क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इन के पी के पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस दे आर 140 सीट्स फॉर जनरल सेल्फ फाइनेंस फॉर दो स्टूडेंट्स हू हैव एग्रीगेट लेसर इन पॉइंट्स देन दोज ऑन ओपन मेरिट इन फ्रेशर्स इन प्रीवियस ईयर वेली इन प्रीवियस ईयर्स द फी वाज ओनली 4 लाख एंड दिस ईयर दे हैव इंक्रीज्ड इट बाय 100% अप टू 8 लाख. हाउ वुड अ पुअर स्टूडेंट बी एबल टू अफोर्ड दैट? प्लीज सर टेक सम एक्शन अगेंस्ट दिस पॉलिसी. आई शुड बी वेरी थैंकफुल टू यू. थैंक यू मैडम. बेसिकली ये देखें,
ओपन मेरिट सेट के सीटें हैं, वैसे प्रोवेंशियल है हमारा, तो सीट एलोकेशन के साथ होता है और मेरिट के साथ अलग होता है। तो ये फीस बेसिकली सूबाई गवर्नमेंट का डोमेन है, पब्लिक कॉलेजेस में एडमिशन्स हैं, तो इस पर हम तो कोई डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते। तो ये प्रोवेंशियल गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज़ हैं उनको रिक्वेस्ट करें और इनको रिव्यू करें और इनको कोई रिलीफ दें जो पुअर बच्चे हैं आगे आ जाएँ। अदरवाइज ये हमारे डोमेन में बाय एंड लार्ज हमारे पास आता नहीं है 4 से 8 लाख रुपए फीस करना पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस के, ये पब्लिक सेक्टर की एंटिटी है। जी सर। राजा कमर अली साहब कह रहे हैं कि दोज लोकल ग्रेजुएट्स हु हैव पास्ड फाइनल ईयर एग्जाम बिफोर अक्टूबर 2021 बट देयर हाउस जॉब विल फिनिश इन अप्रैल 2022, विल दे हैव टू अपीयर इन एनएलई? इस पे भी हमारा बड़ा क्लियर पॉलिसी है कि सितंबर 2020 के बाद जो भी ग्रेजुएट होगा तो उनको जो है एनएलई से गो थ्रू होना पड़ेगा, और इसी तरह इन्हीं बच्चों को भी जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं इस पीरियड में उनको जरूर देना पड़ेगा फॉर द फुल लाइसेंस। हाउएवर जैसे ये देखे कानून बहुत क्लियर है, जो सितंबर 2020 से पहले का ग्रेजुएट है उसको ये एग्जाम देना पड़ेगा, अगर कोई सितंबर 2020 से बाद का ग्रेजुएट है तो उसको ये एग्जाम उसके लिए एग्जाम होगा, जो उससे पहले का है उसके लिए एग्जाम होगा। तो इस पे तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, अगर आप इससे पहले एग्जाम पास कर चुके हैं तो फिर आपको एग्जेम्पशन है। थैंक यू। नोमान खान बलोच क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट आर द पाथवेज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ चाइनीज इंस्टीट्यूशंस, प्लीज हैव अ लुक ऑन नेपाली मेडिकल कमीशन, दे आर चार्जिंग हाफ फी ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी एंड ऑफरिंग देम क्लिनिकल्स इन लोकल टीचिंग हॉस्पिटल्स ऑफ नेपाल, काइंडली कंसीडर दिस टू एंड मेक सम पाथवेज फॉर अस प्लीज। जी देखें, हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन ग्रेजुएट्स के लिए जो पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर से गुजर चुके हैं। लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग फर्स्ट, 2 लाख के करीब बच्चों ने अप्लाई किया, उनमें से 20,000 के करीब बच्चों को एडमिशन मिलेगा। दे आर गोइंग थ्रू एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एक्सट्रीमली वेगरस प्रोसेस विद वेरी क्लियर क्राइटेरिया कि उनके FSC में कितने मार्क्स होने चाहिए, MD CAT में कितने मिनिमम होने चाहिए, उसके बाद भी एक कंपेटिटिव प्रोसेस से गुजर गए हैं। द नंबर ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर अंडर ग्रेजुएट ट्रेनिंग फॉर हाउस जॉब्स आर एंड ऑल द ट्रेनिंग्स आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। अब अगर कोई इंस्टीट्यूशन मुल्क से बाहर का ये अंडरटेकिंग लेता है एक स्टूडेंट के साथ कि आप हमारे पास आएँ, हम आपको ग्रेजुएट करा के हम आपको डॉक्टर बनाएंगे, तो उस इंस्टीट्यूशन के पास ये पूरी कैपेसिटी होनी चाहिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको डॉक्टर बना के भेजे उन तमाम शराइत के साथ जो कि एक डॉक्टर बनने के लिए जरूरी है, एंड दैट इंक्लूड्स क्लिनिकल ट्रेनिंग। अगर वो इदारे आपके या वो यूनिवर्सिटीज़ अगर आपको ये नहीं दे रही तो ये उनका और आपके दरमियान का मुआहदा है, आपको उनसे पूछना चाहिए कि आपने हमसे मुआहदा किया, हमसे फीस ली, आप हमें प्रॉपर ट्रेनिंग के बगैर क्यों भेज रहे हैं, या आप हमें प्रॉपर ट्रेनिंग के बगैर सर्टिफाई क्यों कर रहे हैं, या हमें अपॉर्चुनिटीज क्यों दे रहे हैं। सो ये एक पाकिस्तान वापस, अब हमें पाकिस्तान मेडिकल कमीशन अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको उसके लिए बाकायदा एक सीट्स एलोकेट करनी पड़ेंगी, हॉस्पिटल्स के अंदर कैपेसिटी बनाना पड़ेगी, और वो फिर कौन करेगा उसके लिए, उसकी फाइनेंसिंग कौन करेगा, उसकी फंडिंग कौन करेगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पॉलिसी के तहत होती हैं क्योंकि इनका ताल्लुक एक प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ है और पेशेंट केयर की ट्रेनिंग के साथ है। सो ये इतने सिंपल हल नहीं है कि हम कह दें कि जी आप वहाँ से पढ़ के आएँ और यहाँ आके ट्रेनिंग कर लें। जिस इदारे ने आपको साथ ये वादा किया है कि वो आपको डॉक्टर बना के भेजेगा और उसकी वो फी भी हैवी चार्ज कर रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बना के भेजें। थैंक यू। सनाउल्ला नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, सर माई क्वेश्चन इज वाई PMC इज नॉट अपडेटिंग द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन किर्गिस्तान। Why PMC is not updating the list of universities in Kyrgyzstan? There are few bad universities in Kyrgyzstan which are being rejected by IAAR and few good universities, and they got IAAR accreditation, which was the criteria given by PMC. So I request you to do something. It's been a year and we are fed up of black green universities. Kindly do something. Give us a final or clear cut list. हमें कुछ concerns थे और उन concerns को actually हमारे पिछले हफ्ते भी Kyrgyzstan embassy से उनके ambassador साहब तशरीफ ले आए, हमारी अपनी एम्बेसी की तरफ से कम्युनिकेट हुआ और उनकी गवर्नमेंट ने हमसे कम्युनिकेट किया कि हमारे जो कंसर्न्स थे वो अनफाउंडेड नहीं थे, दे वर वेल फाउंडेड, वो उनमें वैलिड था। उनकी अपनी कैबिनेट ने ये डिसाइड किया और अभी ये फैसला किया कि ए वहाँ कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जाएगी, बी के वो पिछली तमाम जो यूनिवर्सिटीज बनी हैं पिछले कुछ अर्से के दौरान उनको रिव्यू करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कंसर्न शो किया करके गवर्नमेंट ने कि वहाँ बहुत सारे ऐसे इदारे चल रहे हैं
जिनको जिनके पास के वो सहूलियात नहीं है कि वो टीच कर सके, ट्रेन कर सके, ना उनके पास कैपेसिटी है, ना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उनके पास फैकल्टी है. और ये उनके लेटर में बड़ा क्लियरली और डिसीजन में, कैबिनेट के डिसीजन में किया गया. सो हमारे ये कंसर्न्स अनफाउंडेड नहीं थे. नेक्स्ट चीज के ये एक सिर्फ IAR एक्रेडिटेशन जो कि हमारे नज़दीक एक क्राइटेरिया था क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एक्रेडिटेशन थी, अब हमें ये महसूस हो रहा है कि वो फकत वो नहीं, हमें हमें वहाँ की गवर्नमेंट ने खुद प्रॉमिस किया है कि जो डेटा हम मांग रहे थे वो कंपाइल कर रहे हैं, वो हमें देंगे. उस डेटा की रोशनी में हम अपने इन डिसीजन को रिव्यू भी करेंगे. इस वक्त तक हमने ये तमाम डिसीजन हमने होल्ड पे रखी हुई हैं क्योंकि हम बगैर कंप्लीट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के फैसले नहीं कर सकते. ठीक, थैंक यू सर. आसिम साहब पूछ रहे हैं, सर आई हैव मेड अ मिस्टेक इन फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर NLE एंड आई एम अनएबल टू एडिट द पर्टिकुलर्स, आई हैव नॉट पेड द फी येट, व्हाट शुड आई डू? तो इसमें मैं एक चीज कंफर्म कर दूं कि फी पे करने से पहले इनके डैशबोर्ड के राइट साइड पे एक एडिट एप्लीकेशन का बटन है, ये वहां जाके अपनी सारी डिटेल्स चेंज कर सकते हैं. एक बार जब आप फी पे करते हैं फिर आपका सारा प्रोफाइल डाटा लॉक हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर फिर आगे स्केड्यूलिंग और सारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है. फी पे करने से पहले ये जितनी बार चाहे अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं. डैशबोर्ड पे जो लैंडिंग पेज है लॉग इन करने के बाद उसके राइट साइड पे एक एडिट प्रोफाइल का बटन है, ये उस पर क्लिक कर अपनी सारी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं. अच्छा, और स्टूडेंट्स की क्लैरिटी के लिए ये सिर्फ NLE के लिए अवेलेबल है स्टेप 1? नहीं, NLE स्टेप 2 की स्टेम ओपन है, रजिस्ट्रेशंस मेडिकल की और NLE डेंटल की स्टेम ओपन है, इन दोनों में ही ऑप्शन अवेलेबल है. दोनों में ही ऑप्शंस अवेलेबल है. ठीक है, आपके पास एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, काइंडली उससे चेक कीजिए और उससे अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लीजिए. थैंक यू. हैदर अब्बास क्वेश्चन कर रहे हैं कि आई हैड अप्लाइड फॉर PMC स्कॉलरशिप, आई एम सिलेक्टेड इन CMH बहावलपुर मेडिकल कॉलेज, दे हैव गिवन 3 days टू पे फी टिल 29 दिसंबर, टुडे आई विजिटेड CMH बहावलपुर, दे सेड दे हैव नथिंग टू डू विद स्कॉलरशिप, जस्ट पे फी इन 3 days अदरवाइज एडमिशन विल बी कैंसिल्ड. हाँ, हमारी बात हुई है नाम से जो कि एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है CMHS की, और उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी. कॉलेजेस को हम ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट कर चुके हैं कि 31st तक आप इनको नहीं कर सकते. उन्होंने हमें कहा है कि जिन स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई करेंगे उनको अगर उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और वो मेरिट पे आते हैं तो उनको एकोमोडेट कर लेंगे. सो प्लीज़ डोंट पैनिक एंड यू डोंट नीड टू गो टू द इंडिविजुअल कॉलेजेस, वी हैव टॉक टू देयर एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज, वो इंशाल्लाह इंतजाम करेंगे. थोड़ा सा मैं ये क्लैरिफाई कर दूँ कि फॉर द स्कॉलरशिप वी हैव मोर देन 10,000 एप्लीकेशंस, गोइंग थ्रू दोज एप्लीकेशंस वी डू नॉट हैव 10,000 स्कॉलरशिप, सो द फंड्स आर लिमिटेड, दे हैव टू गो टू द मोस्ट डिजर्विंग, एंड वी ऑल्सो हैव टू नीड टू लुक एट नॉट जस्ट द मेरिट ऑफ द पर्सन हु इज सीकिंग स्कॉलरशिप बट ऑल्सो देयर नीड्स. And this requires a little bit of looking at all their data and getting all that information together. इसलिए थोड़ा सा time लग रहा है. Please bear with us, be patient. हम इसी पे काम कर रहे हैं. लेकिन rest assured कि अगर आपने कहीं apply किया हुआ है और आपका merit पे वहाँ first merit में या merit पे वहाँ नाम आ जाता है तो फिर इस वजह से आपसे ये सीट इंशाल्लाह deprive नहीं की जाएगी. हम बात कर रहे हैं और हम colleges के साथ भी रास्ते पर. सर इसी पे हम वही क्वेश्चन आ जाता है कि when are you going to announce the selected candidates for scholarship fund, which is 31st December? It's, as I said, it's a complicated process. We are looking at the data, but we will do that as soon as possible. We aim to do it, of course, we aim to do it by 31st, but that does not mean, because there's a lot of checking and cross-checking to do before we finally announce those. You will be informed before the admission processes are complete and you will be securing your seats, inshallah, if you earn your scholarship. Thank you, sir. Javeria Javed question kar rahi hai ki Dow University of Health Sciences is currently paying stipend of 20K per month to its dental HOs, while our rightful pay is 45K set by PMC. DUHS, MBBS, HOs are getting 45K. We rejected this discrimination against BDS house officers. Kindly take action on this. Isme main Javeria sahaba ko clear kar dun ki hamari policy to uniform hai sab house officers ke liye ki unko barabar milni chahiye. इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जो डेंटल हाउस ऑफिसर्स हैं उनको कम मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू मेडिकल. हमने डाउ यूनिवर्सिटी के जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कम्युनिकेट किया है ये कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए, और हम जवेरा साहब को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो अपनी पे स्लिप वगैरह हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट को हमें भेज दें तो हम इसको फर्दर एक्टिवली परसू भी करें. सर कोई ईमेल एड्रेस है जहां भेज सकते हैं या फिर बाय पोस्ट हुआ? member.education पे member.education@pmc.gov.pk पे हमें ईमेल कर दें अलोंग विद द पे स्लिप के प्रॉपर एविडेंस के साथ आपको परसू के. अदरवाइज हमने ये कन्वे कर दिया है, और डाओ इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कंट्री जो है कि हमने उनको कहा भी है और हम उनको फर्दर परसू कर देंगे करेंगे ताकि इनके साथ कोई इस तरह की चीज ना हो. जी थैंक यू. अब्दुल्ला आबिद का क्वेश्चन है कि इज NLE स्टेप 2 मैंडेटरी फॉर लोकल ग्रेजुएट्स पासिंग इन 2022? प्लीज क्लियर योर पॉलिसी इन दिस रिगार्ड. जी वी विल बी अनाउंसिंग आवर पॉलिसी
that includes the syllabus and all the other components of NLE 2, probably in the next few months. But at this point in time, NLE 2 is only mandatory for foreign graduates. If whenever NLE 2 and is implemented, you will be informed well in advance. At this point, it is only mandatory for foreign graduates. So I repeat that whenever this is made mandatory for local graduates, it will be announced well in advance. Thank you, sir. Acha, Abdullah Abed ka question hai ki is NLE mandatory to apply for good performance certificate applying for GMC registration? NLE is not really mandatory because a lot of people get their good standing certificate by doing their house job when they are holding a provisional license. So in order to get a good standing certificate, you may be only holding a provisional license, in which case you have not passed your NLE. However, if you have completed your house job and then are seeking a good standing certificate, then you will have to pass your NLE and get a full registration before you get a good standing certificate. Thank you, sir. Talha Uzair, question kar rahe hain ki, what is the last date to apply for NLE step one, as there is no last date given on PMC website? Talha, आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन करते हैं वेबसाइट, तो वहाँ पे आपके जहाँ पे लिंक है वहाँ पे बोल्ड में 1st January मेंशन्ड है, तो 1st January 2022 इज द लास्ट डेट। वो भी रात 12 बजे तक का ऑप्शन है, लेकिन अप्लाई ऑनलाइन है। तो 1st January till midnight is the last date for registration. एनएलई स्टेप 1, जनवरी का जो हमारा जी 29 का भी मेडिकल की, स्टेप 2 मेडिकल की भी 1st January और स्टेप 1 डेंटल की भी 1st January मिडनाइट पर। ठीक है, एक दफा दोबारा रिपीट कर देंगे, बता एनएलई स्टेप 1 डेंटल जो है उसकी भी लास्ट डेट 1st January और जो NLE step 2 medical है उसकी भी last date 1st January. ठीक है, अच्छा, इसमें शायद question ये कर रहे हैं कि maybe वो further NLE step 1 की पूछें जो March का session है, उनकी registrations open है, उनकी registrations open है, March की भी open है, June की भी open है, वो पहले pre-registrations कर सकते हैं, लोग कर भी रहे हैं, probably anything, exactly, since step 1 लिखा है, NLE step 1, so I guess he's asking about the dental one. As a student with Pakistan Medical Commission, whether at the time of your registration it was PMDC or PMC, that is of no consequence. This is a change in the law. PMDC, what was PMDC as a regulator, is now Pakistan Medical Commission. The fact that you were registered then does not give you any sort of a different kind of an entitlement. So please keep that in mind. The law says that you are required to appear for Pakistan National Licensing Exam, the details of which have to be then worked out. National Licensing Exam Step 2 is a question of logistics, a question of finding the right way and everything. There's a lot. So whenever it is implemented, as I announced earlier, you will be informed well in advance. Step 2, which is of course clinical skill examination, is an important component and is at this point in time being applied for foreign graduates only. Thank you, sir. Mohammed question kar rahe hain ki my marks in FSC were less than 60% and he's currently studying in A-list Medical University of China. So is he eligible for NLE? Well, when you are a foreign graduate, you may be coming from United States of America or from Sweden or from France or from UK or from anywhere in the world, and you may or may not have appeared for your FSC, which is what is FSC in Pakistan. So we cannot put a condition of a certain minimum marks on FSC or of FSC for a foreign graduate appearing for a national licensing exam. So please don't declare your marks, FSC marks. We are not asking for it. Thank you, sir. Qiyam Zaid question kar rahe hain ki, what is your policy about NEB test qualifiers? Sir, main comment kar raha hu. Thank you very much, sir. Ji, Qiyam Zaid sahab, ye main thoda clarify kar lu कि पहले तो ये NEB फर्स्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस किया है इस साल से ना, जो हमारे जो फॉरेन मुल्कों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको, ताकि अगर वो पाकिस्तान में आना चाहें, हमारा पर्पज़ ये था कि बाहर बच्चे बैठे हैं वो भी फैसिलिटेट हो जाएं और जो पाकिस्तान में जो वैकेंट सीट्स हैं जो है कि उनको जो है कि अकोमोडेट किया जाए, कोई सीट फिल ना हो जाए, ताकि हमारा जो फ्यूचर का ह्यूमन रिसोर्स है
वो हमें मिले। इसके हवाले से हमने तमाम तर पॉलिसी, इसका स्ट्रक्चर, इसका जो पैटर्न है, इसका फॉर्मेट है, वेबसाइट रख दिया है। और जिस तरह हॉनरेबल प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि इंशाल्लाह ताला अभी एडमिशन चल रहे हैं विद इन द कंट्री मुख्तलिफ कैटेगरीज पे, तो होपफुली जो है और अथॉरिटी भी डेटा कलेक्ट कर रही है कि कौन से कॉलेजेस में, कौन से यूनिवर्सिटीज में सीट्स वैकेंट हैं, ताकि जो आप जैसे कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई करेंगे वो अकोमोडेट हो जाएं। आई होप के विद इन फ्यू वीक्स चीज़ें फर्दर क्लियर हो जाएंगी और एंड वी होप के जो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पास किया है एनएबी वो एडजस्ट हो जाएंगे। थैंक यू। कुछ क्वेश्चंस इनको ब्रीफली हम लोग अगर एड्रेस कर लें कि नेक्स्ट ईयर एमडी कैट इज गोइंग टू बी ऑनलाइन और ऑन पेपर? ठीक है, क्वेश्चन हमेशा हमारे एमडी कैट एग्जामिनेशंस है दैट विल रिमेन ऑनलाइन ऑलरेडी इन ऑल रेगुलेशंस एज़ वेल। हाँ, मेंशन ऑन सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 तो ये वेबसाइट पे अवेलेबल है। हां, कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। और प्रेसिडेंट साहब ने क्लेरिफाई कर दिया कि जनवरी में हम इसका पैटर्न स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट सिलेबस भी आपका एकेडमिक बोर्ड विल अनाउंस और उसको हम पब्लिकली एंड हमारे वेबसाइट पे रख देंगे ताकि एवरीवन इज वेरी वेल इन्फॉर्मड ना इन एडवांस। अच्छा, वो पूछ रहे सिंगल टेस्ट होंगे या मल्टीपल टेस्ट होंगे? द डिसीजन विल बी मेड आफ्टर द रजिस्ट्रेशंस के कितनी हमारे पास रजिस्ट्रेशंस आई हैं, अकॉर्डिंग टू दैट विल बी डिजाइन अकॉर्डिंग। बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हुज़ैफ़ा सफ़दर हैं, वो कह रहे हैं कि माय क्वेश्चन इज़ अबाउट द अपग्रेडेशन ऑफ़ क्रिगिस यूनिवर्सिटीज़, जो कि हम अभी भी वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड दैट क्वेश्चन। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिलेटेड टू अच्छा नहीं सर, पीएमसी सेड द कॉलेजेस विल रिज़र्व सीट अंटिल पीएमसी अनाउंस स्कॉलरशिप। हां, ये वही स्कॉलरशिप है जिसमें सीएमएच, आई हैव ऑलरेडी क्लेरिफाइड दैट। आप लाइव सेशन में थोड़ा पीछे जाके चेक कर सकते हैं, सीएमएच बहावलपुर एंड स्कॉलरशिप से रिलेटेड प्रेसिडेंट साहब ने काफी डिटेल में प्रोवाइड किया है आंसर, तो आप काइंडली उसे रिव्यू कर लीजिए पीछे जाकर। डॉक्टर अब्दुल्ला मेंशन कर रहे हैं कि आई एम डॉक्टर अब्दुल्ला, आई हैव शेयर्ड हिज डिटेल्स एनआईसी और ये सारी चीजों की। उनका कंसर्न ये है कि व्हेन ही रिफ्रेशेस हिज स्टेटस फॉर एनएलई स्टेप 2 द एप्लीकेशन हिस्ट्री शोइंग हिज न्यू रोल नंबर। लेकिन ये पास नहीं कर सके थे, ये दिसंबर में दोबारा अपीयर हुए फॉर एनालिस्ट स्टेप 1, इसको उन्होंने क्लियर किया। एनालिस्ट स्टेप 2 के लिए रजिस्ट्रेशन की 19 दिसंबर को इन्होंने चालान डाउनलोड किया और 27 को कल 11:26 में 11:26 पे इन्होंने पे किया, तो उनके अकाउंट पे कोई भी फी पेंडिंग नहीं आ रही। उनका जो एनालिस्ट स्टेप 2 का स्टेटस है उस टेस्ट का जो उन्होंने दिसंबर सेशन में दिया, वो स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों पे, उन्हें जो पेंडिंग शो रहे उनके अगस्त वाले को आ रहे क्योंकि वो उसको ऑलरेडी फेल कर चुके थे, तो वो उसमें एलिजिबल नहीं है स्टेप 2 के रजिस्ट्रेशन के। ठीक है, तो अपनी एप्लीकेशन हिस्ट्री में जो सेकंड टेस्ट उन्हें शो हो रहा है उसमें वो एलिजिबल, वो अपनी पे कर चुके हैं दोनों स्टेप्स की, तो वो वेट करें इंशाल्लाह, उनको स्केड्यूल जो उनका इंशाल्लाह एक दो वीक्स में आ जाए। ठीक है डॉक्टर अब्दुल्ला, आपका जो सेकंड अटेम्प्ट का स्टेटस है काइंडली उसको रिव्यू कीजिए क्योंकि आपकी पेमेंट अभी क्लियर हुई है और आपकी जो डिटेल्स आ रही है वो उस सेकंड उसमें आ रही है अटेम्प्ट में। अच्छा, वर्दा कमर पूछ रही है कि व्हेन, अच्छा ये वही स्कॉलरशिप से रिलेटेड है कि कब तक आप अनाउंस करेंगे? ये भी वर्दा हम शुरू में ही अभी थोड़ा, अगर आप प्लेबैक करेंगे हमारे लाइव सेशन को तो आप देख सकेंगे कि प्रेजेंट साहब ने स्कॉलरशिप से रिलेटेड काफी डिटेल में बात की है, उससे जो भी आपके स्कॉलरशिप के कंसर्न्स हैं वो सारे एड्रेस हो जाएंगे इनमें। लेकिन एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इफ अ थर्ड क्वेश्चन कि इफ अ कैंडिडेट रिसीव स्कॉलरशिप फॉर फर्स्ट ईयर will he or she receive scholarship for the next 4 years as well or not? Because if a student cannot afford fee in first year, how will he afford in the next years? Scholarship, when a student is entitled to a scholarship or a loan, partial or complete, that is for the duration of their graduate program. So ye nahi hai ki aap ek saal ke liye usko unko scholarship ya loan ya jo bhi hai financial assistance denge aur agle saal withdraw kar denge. That is for the duration of their graduate program. Of course, it is going to be expected that they will complete the program within the duration that is prescribed duration. Sir, काफी details भी इसपे हमें कि student की performance और ये सारी चीजें भी national scholarship जो हमारा regulations है, वो मशरूत हैं, वो मशरूत हैं आज चीज के साथ कि आप अपने जो program है उसके अंदर आपकी progress अपने standards के मुताबिक है जो कि हम expect करते हैं एक ऐसे student से जो कि financial assistance ले रहे हैं या जो medical college के अंदर पढ़ रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन है हमारा कि निगार अहमद हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आई हैव लॉज्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट मोहम्मद कॉलेज ऑफ मेडिसिन पेशावर, दैट कॉलेज इज डिमांडिंग लीगल फीस। आई हैव बीन अपीयर्ड ट्वाइस बिफोर पीएमसी अलोंग विद 9 अदर स्टूडेंट्स, बट आफ्टर लैप्स ऑफ मोर देन 45 डेज पीएमसी नाइदर टुक एनी एक्शन नॉर दे डिसाइडेड माय केस। निगार अहमद साहब ने बड़ा पॉइंट आउट किया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किए। निगार साहब भी हमारे पास आए हैं और इनके जो दूसरे कुलीग हैं वो भी आए हैं, हमने इनसे कुछ एविडेंसेस मांगे थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, दे हैव प्रोवाइडेड। लेकिन इस तरह के केसेस जो होते हैं वन साइडेड डिसाइड नहीं होते, तो हम जो दूसरा दूसरी साइड जो कॉलेज है हम उनके साथ भी रابطہ करके उनका भी मौकफ जान रहे हैं और हम इस पे जो है कि एक्टिवली काम कर रहे हैं और निगार साहब को यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह ताला विद इन कपल ऑफ वीक्स दिस इशू फॉर हिम एंड हिज अदर कुलीग्स विल बी रिजॉल्वड इंशाल्लाह ताला एज पर लॉ। थैंक यू।
सैयद बाबर इस्लाम ने अगेन वही स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन किया है, एंड आई बिलीव अगर आप रिवर्स मतलब आप इसको प्लेबैक करके देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका जो है डिटेल्स ऑफ स्कॉलरशिप जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। इसमें एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, आपने पूछा इज द पीएमसी स्कॉलरशिप एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड इन मेडिकल कॉलेजेस। अभी जो इस बार का फंड था वो तो अनाउंस किया गया था फॉर स्टूडेंट्स हु आर एडमिटेडिंग एट सीकिंग एडमिशन इन मेडिकल कॉलेजेस दिस ईयर। However, we are have realized that there are students who are already studying. They have somehow managed to pass through the to survive the those first year or two or whatever, and now find that it is becoming impossible for them to carry on, or their circumstances may have changed. That would be considered, but for that, of course, that would be a decision that needs to be taken, and the right kind of financial resources also need to be created for this. So at this point, unfortunately, we are only accommodating students who are seeking admission in this session. Thank you, sir. Zahoor Ahmed question kar rahe hain ki, dear sir, with great respect, it is stated that we appeared in NAB exam for transfer into second year MBBS Pakistan, but as per our performance, PMC allowed us to get admitted in first year in Pakistan. We accepted the offer and went to some colleges to consider us for admission based on NAB test, but the college demanded a notification from PMC so that they accept us in current enrollment to first MBBS. ये थोड़ा वही जो after March वाला जैसे ये वाला जो provision है, ये हमारे admission regulations हैं, उसमें भी है पढ़ा हुआ इनके information के लिए ज़हूर साहब के लिए। और दूसरा हमने NAB का जो structure फॉर्मेट वेबसाइट पे रखा है, जो नोटिफाइड डॉक्यूमेंट है उसमें भी दोनों डॉक्यूमेंट्स में प्रोविजन है। तो ही आर शी कोई भी कैंडिडेट उसको एज ए रेफरेंस लेके किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के साथ रब्ता करके अपने एडमिशन के सर वन थिंग क्लैरिटी फ्रॉम द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो अभी एडमिशन हो रहे हैं करंटली जो कि खत्म आपके कम्प्लीटली होंगे फेब में, जो लेट के साथ आप लगा के कर रहे हैं, ये इनमें तो अभी अप्लाई नहीं कर सकते ना, जो वेकेंट सीट्स इस एडमिशन के बाद होंगी ये उन वेकेंट सीट्स पे अप्लाई कर सकते। इसमें थोड़ा मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको के फर्स्ट ईयर में ट्रांसफर के लिए एक स्पेशल परमिशन दी गई है। ये वो बच्चे हैं जिनके लिए एज वी सेड अर्लियर वी आर लुकिंग एट इट एंड वी आर लुकिंग ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, बिकॉज दीस इंक्लूडेड those children who have been given that this year exemption for admission in the first year only. ठीक है, first year वाला सिर्फ इस साल के लिए, आगे के लिए second year third year वाला आइंदा के लिए सिर्फ third आप second year complete करने के बाद third year में transfer हो सकेंगे। Thank you. Shahab jo hai wo question kar rahe hain ki the fee structure proposed by PMC for BNC grade private medical colleges is not obeyed by them and what steps are being taken. This is very touchy and important issue. Isme main Shahab sahab aur jo bhi sun rahe hain inko hum bata dena cha rahe hain ki hum is pe ye jo hamari policy hai isme hum hatal imkan koshish kar rahe hain ki ye letter and dispute ke sath jo hai ki is pe compliance ho. Kuch hame shikayat mili hai kuch colleges ke hawale se कि वो शायद हमारी पॉलिसी को डिबेट कर रहे हैं, तो हमने उनको वार्निंग लेटर्स इशू किए हैं अक्रॉस द कंट्री जहाँ जहाँ से हमें कुछ प्लान्स आई है, और हम उनसे अपना उनका मौक़ भी जान रहे हैं, और हम इस पे जो है कि हम इस पर ला जितना भी हो सकता है एक्शन हो सकता है ज़रूर उठाएंगे। ठीक, सुहेल खान क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैन फॉरन स्टूडेंट्स गिव एनली स्टेप वन ड्यूरिंग देयर फाइनल ईयर स्टडी विच इज़ द फिफ्थ ईयर। नो, आपको जो है ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होगी उसके बाद आप अपेयर हो सकते हैं एनली एग्जाम में। इसकी फर्दर क्लियरिफिकेशन के लिए आप हमारे एग्जाम रेगुलेशन में सेक्शन 12 सब सेक्शन 1-3 को डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। एक दफा ये चीजें वेबसाइट पे भी पढ़ी हैं, मौजूद है, फाइनल ईयर पास करना जरूरी है आइदर दिस इज एमबीबीएस आर बीडीएस दोनों के। ठीक है, एजुकेशन, अच्छा फी से रिलेटेड एक बात यह है कि जो बच्चों को फी में कंप्लेन है या कोई भी इश्यूज हैं, पीएमसी हैज क्रिएटेड अ स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस, आप ईमेल एड्रेस की ये डिटेल्स दे दें, फी कंप्लेंट एट pmc.gov.pk। ये कुछ देर में हमारी वेबसाइट पे भी नोटिफिकेशन अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह की फी की कंप्लेंट्स हैं या जो रेलिवेंट डिस्काउंट्स हैं एज पर लॉ जो कहते हैं कॉलेज में जो एनुअल फी पे कर रहे हैं या क्वार्टरली कर रहे हैं या सिक्स मंथ बेसिस पे कर रहे हैं उनको वो डिस्काउंट्स ऑफर नहीं हो रहे जो लॉ कहता है, तो उसके लिए भी कंप्लेंट्स इस ईमेल पे कर सकते हैं। अच्छा, कंप्लेंट्स के साथ आप ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास वैलिड एविडेंसेस हो, फी स्लिप्स हो या कोई नोटिफिकेशन हो जिसके बेसिस पर उस केस को आगे परसू किया जाए। विदाउट एविडेंस फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ बात करना, तो हमें एज पर लॉ रहते हुए विद एविडेंसेस एंड केस परसू करना पड़ता है। अच्छा, सैफुल्ला सुमरो क्वेश्चन कर रहे हैं कि एडमिशन इन एमबीबीएस एंड बीडीएस इन एवरी प्रोविंस अकर्स एज पर कैंडिडेट्स डोमिसाइल, द मेरिट इन पंजाब इज हाई एज कम्पेयर टू सिंध स्टूडेंट्स इन सिंध हैविंग कंपैरेटिवली लो परसेंटेज than Punjab students getting admitted in public medical universities. Therefore, a student from Punjab who couldn't get admission in his provincial public college gets bogus domicile of Sindh made by giving bribe to concerned authorities and gets admission in public colleges, stealing seats from Sindh students.
लास्ट ईयर मेनी स्टूडेंट्स बोगस डोमिसाइल मोस्टली फ्रॉम पंजाब गॉट एडमिटेड इन सिंस पब्लिक कॉलेज ऑन मेरिट डिप्राइविंग सिंस ओन स्टूडेंट ऑफ मेडिकल सीट्स. दिस ईयर सेम प्रैक्टिस इज बीइंग कैरिड आउट बाय स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब हु हैव लो मेरिट टू गेट एडमिशन इन पंजाब कॉलेजेस. मैं थोड़ा इसी को आई थिंक आई आंसर दैट क्वेश्चन के ऑफ कोर्स ये जो इशू है इफ व्हाट यू सेइंग इज फैक्चुअली करेक्ट देन दिस इज अनफॉर्चुनेट बट दिस वंस अगेन इज आउटसाइड द डोमेन ऑफ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन. हम जो एडमिशन का प्रोसेस है और इससे रिलेटेड जो बातें आप डोमिसाइल और वो जो तमाम इशूज हैं उनका पीएम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है. आई एम श्योर के अगर आप वो कंसर्न जो अथॉरिटीज़ हैं और गवर्नमेंट्स हैं उनसे अगर आप उनको इन्फॉर्म करेंगे तो वहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जो इसका नोटिस लेंगे एंड दे विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन. थैंक यू सर. सादात खान पूछ रहे हैं कि माई ब्रदर क्वालिफाइड एनी बी एग्जाम फॉर ट्रांसफरिंग टू सेकंड ईयर बट यू हैव बीन राइटिंग इन देयर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दैट यू कैन दैट यू आर एलिजिबल फॉर ट्रांसफर टू फर्स्ट ईयर. यू हैव बीन लीविंग ईमेल एड्रेस टू पीएमसी बट द रिस्पॉन्सेज आर नॉट डिक्लेयर्ड एज पर द सर्टिफिकेट. जी आप सादात आपका जो क्वेरी है इसका आंसर सिंपल ये है कि आपके ब्रदर को जो एलिजिबिलिटी दी गई है वो इनकी एग्जाम परफॉर्मेंस की बेस पर है. अगर वो अपने एलिजिबिलिटी से सेटिस्फाइड नहीं है तो ट्वाइस ईयरली एनी भी एग्जाम हो रहा है वो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं बी एर हो सकते हैं और इसमें इम्प्रूवमेंट करके जिस क्लास की उनके पास डिग्री मौजूद है उसे नेक्स्ट में वो मूव होना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू दैट अपना स्कोर इंक्रीज करके वो उसमें हो सकते हैं. करंटली जो उनको एलिजिबिलिटी दी गई है दैट इज एज पर देयर परफॉर्मेंस तो वो इसी साल में एडमिशन ले सकते हैं जिस यूनिवर्सिटी में सीट वेकेंट हो. थैंक यू. नहीं डिटेल सर इन्होंने नहीं शेयर की. मैं इनसे पूछ लेती हूँ फिर भी सादात खान आप ऐसा कीजिएगा कि आप अपना कोई ईमेल एड्रेस बता दें जिनके सादात खान आप अपनी तमाम डिटेल्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशंस और ये सर्टिफिकेट और जो भी आपकी डिटेल्स हैं CNIC और ये रोल नंबर एक्सेट्रा आप examination@pmc.gov.pk पर भेज दीजिए. प्रेजेंट साहब ने भी मेंशन किया कि वो खुद भी इस केस को कंसिडर करेंगे देखेंगे कि व्हाट इज द इशू एंड द बैकग्राउंड. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हुनान नॉर्मल यूनिवर्सिटी चांगशा चाइना. इन रीसेंट ऑनलाइन Q&A यू हैव स्टेटेड अबाउट एन ऑनलाइन मेडिकल क्लासेस एंड दैट द डिग्री इज नॉट वैलिड अनलेस द स्टूडेंट टेक्स रेलेवेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस इन अ हॉस्पिटल. सर दोबारा से हम पिछली कचहरी से रिलेटेड इसको और क्लैरिटी दे देते हैं बेस्ड ऑन ऑनलाइन. I think classes. Isme you have asked a valid question and it says that if a university has students subset of students who were there in China and went through all those practicals and patient bedside teaching and some of them stayed back and were managing online classes, how are we going to differentiate between the two? We would be actually contacting the universities and asking them that specific question to actually ensure that the students who are granted that graduate degree is granted after all the due instructional requirements have been fulfilled, and only the degrees which are granted after all the due process will be then accepted for national licensing for the purpose of appearing for in national licensing exam. So of course the universities will have to certify that this degree was not awarded online. Thank you sir. Next question hai ke ek to ye pooch rahe hain ki jo PMC ki scholarship and loan hai are they also applicable on NUMS affiliated colleges? Yes they are. They are. It is irrespective of what college you get admitted in. The important thing is as I said the important criteria would be one your academic performance which would be measured through your MDCAT results and your needs financial needs as you have stated them and as you have provided proof of that. So the difference between your incomes and your expenses and your needs is being considered to taken into consideration. But once we you are selected for scholarship then that is your admission it is subject to your getting admission in a medical college on merit. Whether it be a public sector, a private sector medical college is from NUMS or any other university. That's of secondary concern to us. Yes, NUMS is included. Sir, people question कर रहे हैं कि 7 years MD degree जो है वो from Iran is it accepted or not? Yes, sir. Last year. Last time. But इसके ऊपर मैं आपके अगले तीसरे सवाल जो next आपने कहा है what is a foreign license इसके साथ मिला के मैं जवाब दूंगा. Yes, 7 year MD program for Iran is accepted. And the second important thing is that it is accepted. Why is it accepted and why the MBBS program for Iran we say we do not accept it is because a person who goes through a 7 year MD program actually qualifies to get a practice license in Iran.
which means that the universities that granted him that qualification, the ministry and the concerned regulatory authorities feels that this person now has the capacity to work as a doctor in Iran and treat patients. So that's what we mean by a foreign license, which means to get a practice license in the country from where you got a degree, as you get a practice license to when you graduate from a degree in Pakistan. Thank you, sir. Question hai, Ali question kar rahe hain ki sir, those students who are graduate from Afghanistan, they can't continue their house job in Afghanistan and also can't do here in Pakistan because they are not eligible for PRMP. So what is the policy? Hamari policy badi clear hai ki aise graduates ko pehle NLE pass karni padegi, uske baad hi inko license to practice milega. As of today. So aapke paas rasta aasan hai, aap national licensing exam dein, aapki university agar aapke iske andar hai maujood, list enlisted hai PMC ke paas, आप आएँ, आपको नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम दें, एग्जाम पास करने के लिए यहाँ आपको प्रोविजनल लाइसेंस भी मिल जाएगा हाउस जॉब करने के लिए और इंशाल्लाह कोई ना कोई हाउस जॉब भी मिलेगा। अच्छा सर, बिफोर वी एंड, एक दो क्वेश्चंस जो हम अभी यहाँ से लेना चाह रहे हैं वो ये है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी यही कॉमेंट्स कर रहे हैं और उनकी कॉमेंट्स की वर्डिंग कुछ इस तरीके से है कि वाई इज PMC कंडक्टिंग स्पेशल एग्जाम, उनको आप थोड़ा क्लैरिटी दें। उनको स्पेशल एग्जाम मतलब वो कॉमेंट्स में सिर्फ यही कह रहे हैं कि शायद कोई ऐसा कोई स्पेशल एग्जाम हो रहा है प्रोबेबली बलोचिस्तान बलोचिस्तान और केपी के भी, उनके ये कमेंट्स आ रहे हैं कि व्हाई पीएमसी इज कंडक्टिंग स्पेशल एग्जाम। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन कोई भी स्पेशल एग्जाम नहीं दे रहा। मैं क्लैरिटी के लिए बता दूं, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन सिर्फ 3 एग्जाम लेता है जो कानून के तहत उसको लेने की इजाजत है। एक मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट है MD CAT, दूसरा NEP है, नेशनल इक्विवेलेंस बोर्ड एग्जाम, व्हिच मींस एग्जाम फॉर स्टूडेंट हु इज स्टडिंग इन ओवरसीज कॉलेज, foreign college and is seeking transfer into Pakistan, has to appear for a national NEB exam. And the third is the national licensing exam, which has got one step for local graduates and is 2 step at this moment for foreign graduates. In exam ke ilawa koi aur exam jo hai wo Pakistan Medical Commission na leta hai, na uska usse koi direct taluk hai. Hamara wahid jo uske saath hai higher secondary school certificate HSSC, which means FSC or A-levels or any equivalent exam from where it has been taken. That exam has to be passed and have equivalence of what we have of how many percent in FSC? 65% in FSC. So, hum ye aur is special exam ke baare mein main aap thodi si clarify kar dun ke Ministry of Education ne, Federal Ministry ne COVID ki special कंडीशंस को देखते हुए कि बहुत सारे बच्चे कोविड की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे सकते, उन्होंने इजाज़त दी कि वो बच्चे और जो नहीं दे पाए एग्ज़ाम या नहीं दे सकते कोविड की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, वो अक्टूबर में भी एग्ज़ाम उनके लिए एक स्पेशल एक और एग्ज़ाम दिया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को, मिनिस्ट्री ने रिक्वेस्ट की कि आप इस एग्ज़ाम के रिजल्ट को भी कंसिडर कर लें नेक्स्ट एडमिशन के लिए, जिसके लिए कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने उन इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर रिक्वेस्ट हमने इजाज़त दे दी कि उनके मार्क्स को भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज कंसिडर कर सकती हैं। इससे आगे कि उसका क्या मैकेनिज्म है, उसकी क्या वेटेज है, ये सब चीज़ें ये एडमिटिंग यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का कानून ये कहता है कि पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए 50% वेटेज MD CAT की होनी है, उसके अलावा बाकी 50% के ऊपर वेटेज किस तरह कैलकुलेट करनी है ये एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज फैसला करती हैं। तो आई होप दिस क्लैरिफाइज आवर पोजिशन एंड आवर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सर, कुछ क्वेश्चंस बीच में ये आ रहे थे कि जिस तरीके से आपने डिटेल दी थी कि NLE मेडिकल का स्टेप 1 फॉर लोकल ग्रेजुएट्स है, इसी तरह इज डेंटल ग्रेजुएट द डेंटल ग्रेजुएट्स ऑफ 2021 स्टेप 1 उनके लिए स्टेप 1 होगा या स्टेप 2 भी होगा फॉर देम? सो करंटली लोकल के लिए ग्रेजुएट्स डेंटल में भी, द लॉ द रूल अप्लाइज टू बोथ मेडिकल एंड डेंटल। ठीक है, थैंक यू सर। वन क्वेश्चन सर, कलंदर बख्शाशारी पूछ रहे थे कि प्लीज क्लैरिफाई द पॉलिसी ऑफ गेटिंग एडमिशन फॉर एनीबी क्वालिफाइज, तो एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा बता दें कि जिन्होंने एनीबी क्लियर कर दिया, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर देम, क्योंकि शुरू में बहुत सारी कॉल्स जो थी वो पीएमसी आना शुरू हो गई थी कि आप लोग एडमिशन कब ओपन कर रहे हैं। ये बेसिकली पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हो रहा है, उस वजह से थोड़ा इन्फॉर्मेशन का गैप लग रहा है। हमारा ये कहता है कि हम जो है कि जो बच्चे माइग्रेशन मतलब बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान में पढ़ने के लिए आना चाह रहे हैं, जिस तरह फर्स्ट ईयर के लिए हमने स्पेशल एक रेगुलेशन दिए एंड फ्यूचर में सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर एंड फाइनल ईयर बोथ एनी भी मेडिकल एंड डेंटल का होगा,
तो इसमें बेसिकली ये है, ये कोई गारंटी नहीं है कि जो जो कैंडिडेट पास कर रहा है एनएबी उसको एडमिशन मिलेगी, लेकिन हम समझते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी एडमिशन की सीट के लिए वैकेंट है उधर रब्ता करें जो भी जिनको पीएमसी ने एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिया है या जिन्होंने पास किया है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे भी सीट्स खाली होंगी फर्स्ट ईयर में या आगे वही हो कि वो सब एडजस्ट होंगे। हमारा काम इस हद तक था कि हम उनको एग्जाम लेंगे और माइग्रेशन या एडमिशन के लिए एलिजिबल करार देंगे, एलिजिबिलिटी हमने दे दी है। अब डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स मुल्क में जो है कि खाली हैं, और जिसने पास किया है वो सिंध में जाना चाह रहा है, पंजाब में जाना चाह रहा है, जेके में जाना चाह रहा है, कहाँ जाना चाह रहा है, दूसरा कहाँ पे सीट खाली है, तो वो जो पीएमसी के लॉ है उसके तहत रब्ता करे। एंड वी होप एंड एक्सपेक्ट, ये हमारा सालों से हमारे जो बाहर बच्चे पढ़ते थे उनके पेरेंट्स का मुतालबा था कि कोई माइग्रेशन का मैकेनिज्म होना चाहिए, वो हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है। होपफुली बाय टाइम ये भी फर्दर स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और वी एक्सपेक्ट के सब बच्चे अकोमोडेट भी हो जाएंगे। बस मैं सिर्फ ये आपके लिए जो डॉक्टर साहब ने भी बताया आपको क्लैरिफाई कर दूं कि एनईबी देने के बाद, एनईबी पास करने के बाद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से आपको एक इजाजत मिल जाती है कि अब आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फर्ज करो आपने वहाँ का एनईबी का इक्विवेलेंस का एग्जाम दिया थर्ड ईयर का, जिसका मतलब है कि आप फोर्थ ईयर में जा सकते हैं, आपने थर्ड ईयर पास कर ली। अब उनमें से कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप जिस कॉलेज से या जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं वहाँ पढ़ाए गए हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि नहीं पढ़ाए गए, वो अगली क्लासों में पढ़ाने थे। अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाते हैं जहाँ एडमिशन के लिए और वहाँ कोई एक ऐसा मजमून है जो आपने नहीं पढ़ा और वहाँ पढ़ाया जा चुका है थर्ड ईयर में या सेकेंड ईयर में, तो यूनिवर्सिटी आपको कह सकती है कि जी आप वहाँ पिछली क्लास में जाएं, पहले वो मजमून पास करें, फिर हम आपको आगे भेजते हैं। तो अब आप ये जो आगे जाके एडमिशन लेना, एक तो आपको सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ अ पोजिशन सीट वहाँ खाली होगी, फिर उनकी जो शरायत हैं वो आपको पूरा करना होगी उस यूनिवर्सिटी की, कि आपने कौन कौन से एग्जाम्स पास सब्जेक्ट्स पास कर ली हैं, वो आपको ट्रांसक्रिप्ट दिखाना होगा। ये सब जो आगे आपने प्रोसेस है ये आपने उस लोकल उस यूनिवर्सिटी और उस कॉलेज से आपने निगोशिएट करना है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इस सारे प्रोसेस में सिर्फ ये आपको सर्टिफाई कर रहा है कि आप दाखिल होंगे तो हम आपको एज अ स्टूडेंट यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे। थैंक यू सर, बहुत ही कंक्लूसिव था। बस मैं एंडिंग पर दो तीन चीजें मेंशन करना चाहती हूँ। कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास आई थी, फॉर इंस्टेंस मोहम्मद फारूक मुजाहिद की, जिन्होंने मेंशन किया हुआ था कि अवेसिना मेडिकल कॉलेज जो है वो जो कमिंग ईयर्स की जो फी है स्ट्रक्चर वो किस तरीके से पेश कर रहे हैं, उनमें इरेगुलरिटीज हैं। तो और कुछ हमारे पास कंप्लेंट्स आई हुई हैं ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से, जो उनकी तरफ से भी है कि फी इरेगुलरिटीज हो रही हैं। तो जहां कहीं भी जिन स्टूडेंट्स को भी एट द टाइम ऑफ एडमिशन भी और ऑलरेडी इनरोल स्टूडेंट्स को भी जहां भी फी इरेगुलरिटीज का सामना करना पड़ रहा है एज पर द रेगुलेशंस, यू आर सब्जेक्टेड टू नोटिफाई पीएमसी। नोटिफाई करने के लिए हमने अभी भी लाइव सेशन में बताया था कि हमारा ईमेल एड्रेस है cfeecomplaint@pmc.gov.pk। यहाँ पर आप अपने नाम और अपने डिटेल्स के साथ विद प्रॉपर एविडेंस, जिसमें आपकी फी स्लिप्स आ जाती हैं, कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाती हैं, उनके साथ हमें कंप्लेन कीजिए। रेस्ट अशोर्ड वी आर नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी, वी आर गोइंग टू जस्ट टेक अप द कंप्लेंट्स विद द प्रॉपर एविडेंस एंड वी आर गोइंग टू टेक अप द केसेस विद द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। पीएमसी बहुत प्रोएक्टिव तरीके से फी रेगुलरिटीज के केसेस को ले रहा है और इन्हें जो है वो रिजॉल्व एएसएपी बेसिस पे करने की तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माय पैनल मेंबर्स एंड सर एंडिंग फ्रॉम योर साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, giving us your feedback and also identifying the problems and the complaints that you have. We are always there to solve them. Fee ke mamle mein aur dusre kuch colleges ke regulatory mamlaat mein aap logon ne ki aur hum aap ek transfer hota hai ki aapne complaint ki aur us pe abhi tak kuch nahi hua. Dekhiye ye ek process hai, kanoon ke andar rehte hue hota hai. Aapke paas aapki complaint aati hai, jaise aapko abhi Sana ne bataya ki aapki identity reveal kiye bagair hum college से पूछते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि जी ये कंप्लेंट आई है, उनका मौकफ लिया जाता है। फिर जैसे कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप कोई कंप्लेंट करें तो प्लीज सप्लाई अस विद द प्रूफ दैट वी कैन कॉन्फ्रंट द इंस्टीट्यूशन विद, देन दे आर आस्क्ड टू सबमिट द एविडेंस दैट व्हाट दे आर क्लेमिंग इज ट्रू, और उस सब के बाद फिर जो भी कोई उसके बाद जो किया जो एक्शन लेना चाहिए लिया जाता है। और इस सारे प्रोसेस के अंदर कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन सबको जब मालूम होता है कि एक इदारा है जो कंप्लेंट को सुन रहा है और उनको कम्युनिकेट कर रहा है, तो इन इटसेल्फ एक डिटरेंट होगा कि वो इदारे इस सोच में कोई भी इदारा ना रहे। आई एम श्योर कि सब लोग सब ऐसा करते भी नहीं है
कि इस सोच में ना रहे कि कोई पूछने वाला नहीं है और हम कर सो एक्शन लिया जाएगा. उसके लिए ऑब्वियसली एक ड्यू प्रोसेस होगा जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट जब वो सबको नजर आएगा तो इंशाल्लाह ये कंप्लेंट्स भी आपकी कम होती जाएंगी. बट डू रिमेन इन टच एंड डू कीप अस इन्फॉर्मिंग. इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी इन्फॉर्म्ड एंड ऑल्सो इन नॉलेज ऑफ व्हाट यू पीपल आर थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान मेडिकल कमीशन. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. हमारी नेक्स्ट जो ई कचहरी होगी वो हम प्रॉपर्ली अनाउंस करेंगे अगेन ऑन द ऑन आवर फेसबुक पेज. इंशाल्लाह ताला आपकी जो भी फर्दर ग्रीवेंसेस होंगी, जो भी कंप्लेंट्स इंक्वायरीज होंगी, हम इनको विद टाइम जो है वो एड्रेस करते जाएंगे एंड वी मेक श्योर कि हम इस पूरे पाथ को, इस पूरे तरीकेकार को और स्ट्रीमलाइन कर सकें. थैंक यू सो मच. थैंक यू.